वैज्ञानिक तौर पर ताली बजाने से हमारे डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि यदि दिन भर समय ना मिले तो कम से कम सूत कर जब उठते हैं, सुबह में उठते हैं तो दो चार हाथ ताली अवश्य बजा लेना चाहिए। लेकिन भैया यदि उस समय आप ताली बजाओगे तो घर वाला कहेगा कि छोरा पगला गया है। पगला ना गया ब्याजी, छोरा खैनी खा रहा है। अच्छा अच्छा, यानी खैनी की टोंक भगा रहा है। हाँ, उस समय मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब भगवान के दरबार में आएंगे तो कोई हंसने वाला नहीं मिलेगा। जय हो, इसलिए ताली बजवाया जाता है। जय, और दोनों हाथ उठवाया जाता है। इसका भी कारण है, इसका भी कारण है कि हम लोग देखते हैं यदि कानून हमारे पीछे पड़ जाता है, पुलिस दरोगा पीछे पड़ जाता है तो कहता है कि पहले तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, या अर्थात सरेंडर कर दो। तो पुलिस कहते हैं कि तुम मेरे को सरेंडर करो, लेकिन यहां भगवान के दरबार में सरेंडर करना है। दोनों हाथ उठाने का मतलब होता है, उठा लीजिए, कि भगवान के दरबार में सरेंडर करना अपने आप को। लेकिन यहां सरेंडर कौन करेगा? कहेगा कि भाई हम गलती करवे नहीं किया तो सरेंडर क्या करे क्या भैया? जय हो, जय हो। बोलिए भट्टर भगवान की जय। कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जय इस कलियुग में हजारों 33 करोड़ देवी देवताएं माने गए, लेकिन इस कलियुग में यदि साक्षात है तो पवन पुत्र हनुमान है। जय हो। जिन भक्त को विश्वास नहीं, मैं उनके साथ चैलेंज करता हूं कि आप एक बार मन से प्रभु को शरणों में सरेंडर हो जाए, भगवान आपका हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन आजकल के भक्त हो गया है ध्यान, बैठे हैं पूजा पर और ध्यान है पूजा पर, पूजा पर। जब भक्त नहीं होते तो भगवान कहां होता। कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हो इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। ये हो पप्पू भैया, भैया तो दुनिया में देव हजारों है, बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली तेरा क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कि दुनिया में देव जी का क्या कहना, जी का क्या कहना।
आ गए छोटे से नन्हे से प्यारे से बाबू आर्यन कुमार, उनके तरफ से 21 रुपए का राशि प्रदान हुआ, भगवान सदा कल्याण करे। संकट मोचन इनकी सभी संकटों का हरण करे और अपने ही तरह बल बुद्धि और विद्या का भंडार भरे। किए सात समुंदर पार गए और गधे लंका में कूद गए, तो रावण को डराना क्या, लंका